तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वास्तु के लिहाज से सिंदूर का विशेष महत्व है। सिंदूर हर सुहागन स्त्री के श्रृंगार का अहम हिस्सा है। सुहागन स्त्रियां सिंदूर से अपनी मांग भरती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री के सिंदूर लगाने से उसके पति की आयु लंबी होती है, रोगों से उसकी रक्षा होती है। प्रत्येक रोज सूर्य को अर्घ देते समय थोड़ा सा सिंदूर शुद्ध जल में मिला लें। अपने घर के दरवाजे पर सिंदूर से स्वास्तिक के निशान बना दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। जिन घर में पति पत्नी में अक्सर लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, उन्हें इस उपाय को अवश्य आजमाना चाहिए। माना जाता है कि घर के मुख्य दरवाजे पर तेल में सिंदूर मिलाकर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। ऐसा लगभग 40 दिन करने से निश्चित रूप से घर में मौजूद वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार देवी देवताओं की पूजा भी बिना सिंदूर अधूरी होती है। धन की हानि हो रही है तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए 5 मंगलवार और शनिवार तक निश्चित रूप से चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें। ऐसा करने से कारोबार में उन्नति होगी, मनोकामनाएं पूर्ण होगी और धन से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगे। सिंदूर को मरीज के ऊपर से उतारकर बहते हुए जल में प्रवाहित करने से बीमारी में तेजी से लाभ मिलता है। घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर चढ़ी हुई भगवान श्री गणेश की मूर्ति लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि रहती है। सुहागिन महिलाओं को बाल धोने के बाद सुबह गौरी माँ को सिंदूर चढ़ाना चाहिए और कुछ सिंदूर अपने भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जो जीवन है, वैवाहिक जो जीवन है, वह अच्छा व्यतीत होता है और जीवन में अनुकूलता बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। आप सब यूं ही बने रहें। आप सब अपना ख्याल रखें, अपने आप को बेहतर रखें, स्वच्छ रखें। लॉकडाउन का विशेष आप ध्यान रखें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, परिजनों का ख्याल रखें, बुजुर्गों की सेवा करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।